हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, सॉरी कि मैं वीडियो नहीं रेगुलर अपलोड कर पा रही हूँ। दो तीन रीज़न हो गए हैं। स्कूल में मैं अकेली हूँ और अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चों के एग्ज़ाम। अब ये है कि पूरे वीक जो जो चीज़ें खास हुई वो मैं आप लोगों के साथ सम अप करके इस वाले वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे और जो मेरी अपडेट्स हैं इम्पॉर्टेंट वो आप कोई भी मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है ये संडे की सुबह का टाइम है, तो 6 बजे करीब ये हमने करवाया था। पूरा हेल्थ चेकअप जो है वो शेड्यूल्ड किया हुआ था, क्योंकि बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो सोचा कि मतलब कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लिया जाए। तो जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ये उसके मतलब अंदर आता है। तो इसमें जो है सुबह 6 बजे के करीब आके इन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिए चारों के, और यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल गया था। इसमें हमारे कई सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो अभी आराध्या का तो रिसेंटली फर्स्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर के यहाँ हो गया था। जब उसको फीवर हुआ था तब ब्लड टेस्ट की नौबत आई थी, तो पहले से थोड़ा सा डरी हुई थी लेकिन कर लिया बहादुरी से। और आरोही का तो पहले बार था, तो उसकी तो बहुत ही हालत ख़राब थी सुई के नाम से सुन के, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत ही ब्रेवली उसने भी जो है वो अपना ब्लड सैंपल दे दिया। अभी ये चीज़ शूट हो गई वीडियो की वजह से, लेकिन वैसे भी मैं इसको संभाल के रखूँगी कि मैंने बोला था कि आपको दिखाऊँगी कि आप कितने बहादुर हो। तो बच्चों ने जो है वो ब्लड सैंपल वगैरह दे दिए, हमने भी दे दिए दोनों ने, और इसकी आएगी 2-3 दिन बाद रिपोर्ट। और इसके बाद जो है वो रेगुलर संडे वैसा ही रहा, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी डाउन है और काम अब हल्का हो गया है। ऊपर की सफाई के लिए भी पाइप वगैरह मंगा लिया है, तो थोड़ा सा आसान हो गया है वहाँ पर भी काम। और कपड़े जो हैं वो अब संडे की बजाय ये है कि बीच में कभी भी मैं धो देती हूँ। अभी ये अगले दिन फिर मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ, ये उस टाइम का है, और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर साहब के यहाँ जाने का प्लान है, और वहीं पर मेरे हस्बैंड मुझे ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ गए अपनी रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ दिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग आ गए घर, वो गए ऑफिस, और मैंने शुरू किया अपना आगे का काम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आने के बाद तैयारी की एक वीडियो शूट करने की, क्योंकि 2 दिन में सो गए थे बीच में, और थोड़ा सा मुझे यह है कि दवाई खा के ठीक भी लग रहा था। तो यहाँ मैं वीडियो शूट करने की तैयारी कर रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं स्कूल से सीधे घर नहीं आई थी, ऑटो करके सीधे पहुंची थी मैं डॉक्टर साहब के यहाँ, क्योंकि उनका जो क्लिनिक है वो उसी रोड पर है। वहां पर मैं पहुंची, हस्बैंड बच्चों को यहाँ पर घर पे छोड़ के खाना वगैरह इनको देके लंच का, उसके बाद ये वहां पर पहुंचे, तो हम दोनों ने वहां पर उनको दिखाया। अभी वहां से आने के बाद फिर दवाई खाई मैंने, खाना खाया पहले आके फिर दवाई खाई। दवाई खाने के बाद थोड़ा सा मुझे ठीक लगने लगा, तुरंत मैंने जो है थोड़ा सा टचअप किया और फटाफट से एक व्लॉग शूट किया जो माइंड में था बहुत दिन से, लेकिन कर नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने शूट किया। वो उसी रात को मैंने शेड्यूल किया जो आपने लास्ट वाला देखा, 9 बजे वो गया था। और उस व्लॉग का काम खत्म करते ही फिर मैं लगी वापस अपने किचन में, और किचन में आई थी फ्रूट सब्जियां ये सब चीजें। आयरन इनटेक बढ़ाने के हिसाब से, और ये है कि फ्रूट्स की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए डाइट में, ताकि पेट भी भरा रहे, क्योंकि नॉर्मल खाना ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, उसी हिसाब से ये सब चीज़ें आई हैं। हाँ जी, तो संडे में कराई थी हमने फुल बॉडी चेकअप चारों का। एक्चुअली हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है HDFC का, तो उसमें 1 ईयर आप फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो। 2+2 वाला हमने लिया हुआ है प्लान, तो उसके अंतर्गत हमने ये कराया था। और इस टाइम पे जैसा आप लोगों को पता है स्टमक एक वगैरह भी चल रहा है, अभी आराध्या बीमार पड़ी थी, अब आरोही थोड़ा सा डाउन है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई चेकअप जो है वो करा लेते हैं, क्या पता कुछ दिक्कत हो ही रही हो। तो टेस्ट में माइनर चीज़ है वही थोड़ी बहुत, कोई बॉर्डर लाइन पे, कोई नॉर्मल, कोई ये वो 19-20 थोड़ी बहुत आई है। तो वो बच्चों की जो रिपोर्ट थी वो हमने बच्चों के डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने सब कुछ ओके बोला है, बस ये बिस्किट थोड़ा ज्यादा खाती है, इसको मना कर दिया बिस्किट खाने के लिए, कि बिस्किट वगैरह ये नहीं खाए। अच्छा, मैगी वगैरह हमारे यहाँ वैसे ही मतलब मैं नहीं देती हूँ ज्यादा, बहुत हो जाए तो 1 वीक बस,
एक टाइम, और वो भी छोटी वाली मैगी बन के मिलती है दोनों को, ये नहीं कि पेट भर के मिले, और उसमें भी डलती हैं सब्जियां। लेकिन मैगी नूडल्स वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं, और बाहर का खाना भी आप लोगों ने देखा होगा कितना आता है, मतलब कम ही होता है, जैसा भी बनता है उल्टा सीधा, कम स्वाद का ज्यादा स्वाद का, जो घर में बनता है मतलब हम लोग वही ज्यादा खाते हैं। तो इतना होने के बाद भी जो स्टमक एक हो रहा था, तो ये परेशान कर रहा था कि आखिर हो क्यों रहा है। फिर लगा कि फिल्टर की वजह से हो रहा है, तो उसको भी अभी कल बुलाया हुआ बंदे को, देखते हैं वो भी चेक करके, क्या पता वो हो रहा हो। वैसे उसकी ड्यू डेट है अभी बीच में, वो चेक हो मतलब जब चेंज होना था फिल्टर वो हो चुका, तो समझ में नहीं आया। फिर भी हमने ये था कि जो चेकअप करने के लिए टीम आई थी, वहां से एक आते हैं डॉक्टर का फोन कॉल, तो वो रिपोर्ट देख के उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, कुछ 19-20 अगर डाइट में चेंज करना हो तो वो बताएंगे। तो मुझे आयरन की ये बोला है कि मतलब मेरे हिसाब से 11:30-11 लगभग हमेशा आता था, तो वो सही रहता था, इनके अकॉर्डिंग 13 होना चाहिए। तो उन्होंने बोला आयरन डेफिशिएंसी है थोड़ा सा, और जो है वो बढ़ा दें आयरन इनटेक, तो चलो वो बढ़ा लेंगे। और बाकी जो मैं अभी धीरे धीरे 1-1.5 महीने से बीच बीच में गड़बड़ हो रही है, रात के जो थोड़ा सा दूध होता है अब उसमें मैं गड़बड़ कर रही थी, तो वो मुझे मतलब दुख दे रहा है आई थिंक, कि मुझे थोड़ी सी थकान सी लगने लगी अब। तो इनकी बच्चों की रिपोर्ट्स तो हमने दिखाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, और अपनी दोनों की हमने दिखाई जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं फिजिशियन उनको, और उन्होंने भी मतलब हमें लिटा के पेट वेट चेक किया, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये कि स्टमक एक मतलब बंद नहीं हो रहा, खाना खाने के बाद होता ही हल्का हल्का। अब क्या हुआ जो व्लॉग नहीं आया, वो क्या था कि एक तो बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके, इनका पढ़ाई का बढ़ गया, मेंटल प्रेशर मैं जरूर ले लेती हूँ, ये तो क्या ही लेंगी। और इस बार मैंने सोचा है खैर कि छोड़ दूंगी, क्योंकि हर बार मैं लेती हूँ स्ट्रेस लेकिन रिजल्ट जस का तस रहता है। अब की बार मैंने सोचा है कि छोड़ देती हूँ, जितनी करा दी तैयारी, इस बार मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी पेपर का। तो लेकिन फिर भी यार पेपर है, हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि पेपर होने के बाद में अब स्टमक एक की वजह से थोड़ी सी मेरी मतलब बैटरी डाउन है। अब मैंने सोचा कि मैं वीकेंड की जो है छुट्टी ले लूंगी। वहां क्या हुआ कि मैं और सर दो ही बंदे हैं हम लोग स्टाफ में, सर की आ गई ट्रेनिंग, अब वो चले गए, तो कहां मैं छुट्टी लेके घर पे रेस्ट करने की सोच रही थी। अभी मुझे उनके हिस्से का भी काम स्कूल में देखना पड़ेगा। अब 2-3 दिन है, तो डॉक्टर साहब ने जो है स्टमक एक वगैरह के लिए थोड़ी सी डाइजीन तरीके का वो सीरप, एक दो एसिडिटी की गोलियां वो लिख दिया। उन्होंने सिंपल ही बोला मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, 3-4 दिन खा लो दवाई, ठीक हो जाओगी, उसके बाद जो है अगर लगे फिर भी तो दिखा जाना। तो जहां तक मुझे लग रहा है अब 1-2 दिन की दवाई खाऊंगी वैसे भी ठीक हो जाऊंगी, और उधर वर्कलोड भी कम हो जाएगा। अच्छा इस बार सैटरडे संडे ऑफ है, थोड़ा सा ये है कि मिल जाएगा ब्रेक, उम्मीद तो पूरी है। बाकी जो प्रेशर है वो इनके एग्जाम का है, वो 26 तक रहेगा, और 26 तारीख को है पहला नवरात्रा, तो व्रत इस कंडीशन में मैं रह पाऊंगी या नहीं भगवान ही जाने, जैसी उनकी मर्जी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार रहती हूँ या हर बार छोड़ती हूँ, जैसा उस दिन मन होता है वैसा कर लेती हूँ। तो ये थी लाइफ की अपडेट। और क्या है जी, और हाँ एक आई है हमारी जो उस दिन डिब्बे में आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, क्योंकि इन 3-4 दिनों में बैंड बजी हुई थी, अच्छे से काम ही नहीं संभल रहा था। तो एक हमारी जो उस डिब्बे में आई है वो आई है नई रिंग लाइट, तो चलिए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कैसी आई है। मतलब खोल तो पहले ही ली थी, 2-3 दिन पहले खोल ली है, जो लास्ट वीडियो गई है एक्चुअली वो रिंग लाइट की पहली वीडियो है, तो वो खोल ली है। कैसी आई है वो आपको एक नजर दिखा देती हूँ। तो जो मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और मेरा चैनल देखते हैं, उनके लिए मे भी ये काम की चीज हो, तो चलिए ये दिखा देती हूँ, और बस बाकी लाइफ अपडेट यही है। ये लाइट है फ्रेंड्स, इस तरीके की लाइट में जो था दो ऑप्शन ज़्यादा जो शो कर रहे थे वो थे, एक डिजिटेक के तरफ से था कंपनी का, जो मैंने ऑलरेडी देखी हुई है एक आध यूट्यूबर्स के वीडियो में, तो वो मैंने देखी, लेकिन ये ओसाका की है। ये अब इसमें क्या चेंज है, एक तो ये मेड इन इंडिया है, और दूसरी चीज़ जो है इसमें मैंने जब कंपैरिजन वीडियो देखे, जैसे मैंने आपको मशीन के टाइम पे भी दिखाया था कि जब मुझे कोई नई चीज़ लेनी होती है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ, तो इसमें और डिजिटेक वाली में जो कंपैरिजन करा गया था जितनी भी वीडियोस में, उसमें कई चीज़ें जो हैं ओसाका में एक्स्ट्रा थी। अभी इसके ये जो स्टैंड के ये जो पाए हैं ये भी इसमें आयरन के बने हुए हैं, थोड़े हैवी हैं लेकिन मज़बूत हैं, स्टर्डी हैं काफ़ी,
और ये 9 फीट तक जाएगा ऊपर, अगर इसे पूरा खोल दें ना इसकी छड़ को, तो ये 9 फीट तक जाएगी। तो ये तो हुई स्टैंड की बात। अभी लाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर शायद डायमीटर है, मे बी सबसे बड़ी यही है, 18 इंचज़ है शायद, 18 इंचज़ वाला है ये। और इसके साथ जो है लाइट को कैरी करने के लिए इस तरीके का बैग रिसीव हुआ है, जो उसमें नहीं था डिजिटेक में। अभी ये है कि कहीं, वैसे तो मुझे खैर ले ही कहाँ जाना है, घर पे शूट होगा, लेकिन ये है कि इसके साथ ये बैग मिला है। अब ये लाइट है फाइनली जिसकी वजह से परचेज हुआ है, और इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स मिले हैं। तो जो इसकी लीड वगैरह है ना चार्जिंग के लिए और कनेक्शन के लिए, वो इसमें डिजिटेक वाली से काफ़ी लंबी है। तो इसका यह है कि प्लग बहुत दूर भी हो तो भी आप लाइट को कहीं भी लगा सकते हो। तो ये इस तरीके का एक अडेप्टर सा है, और ये लीड एक इसमें लगेगी। और इसके साथ जो सबसे ख़ास बात अच्छी लगी मुझे वो है रिमोट है इसके साथ। तो आपने कैमरा लगा दिया उसमें और आप दूर खड़े हो गए, तो आप रिमोट से जो है वो लाइट सेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट ज़्यादा हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी लाइट सेटिंग में ज़्यादा अच्छी पिक्चर आ रही है। अब ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये तो लाइट के साथ जुड़ा हुआ है, अभी ये जो है इस तरीके से लग जाएगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से फ़ोन लग सकता है। अब यहाँ पर ये सारी अटैचमेंट होने के बाद पावर ऑन कर दी है, तो यहाँ पर ये पावर लो दिखा रहा है। स्टैंड बाई मोड ऑन करते ही लाइट जो है वो जल गई थी। देख, अब इस लाइट में दिलचस्पी इस चैनल के व्यूवर्स को बहुत ही कम होगी, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो प्राइस लिंक वगैरह जो है वो जस्टिफाई वाले पे शेयर कर दूँगी, वहाँ आप लोग से देख लीजिएगा। फ़िलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब ये सारी लाइट बंद करने के बाद केवल इस लाइट की रोशनी है येलो और वाइट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।